सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के गठन को असंवैधानिक करार देने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस आर एस सोढ़ी ने की गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना, कहा सीबीआई की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 18 सीटों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म। आखिरी दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया रैलियों को संबोधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। 4 दिसंबर को होने हैं चुनाव। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने आंध्र प्रदेश के विभाजन की प्रक्रिया पर जताई नाखुशी, कहा विभाजन से रायलसीमा और तटीय आंध्र के लोगों की भावनाएं हुई हैं प्रभावित। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने लुधियाना में यूपीए सरकार के कार्यक्रमों के 5वें जन जागरण संस्करणों का किया उद्घाटन, कहा यूपीए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना है इसका मकसद। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की मुलाकात, राज्य में हाल में आए तूफान से हुए नुकसान पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वाणिज्य और उद्योग जगत से बकाया सेवा कर अदा करने का आग्रह किया। चेन्नई में व्यापार मंडल और वाणिज्य संघ को संबोधित करते हुए कहा कि बकाया कर अदा करने वालों पर किसी तरह का अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। श्रीलंका में हो रही राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की बैठक में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बैठक में हिस्सा लेने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। साल के सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान हेयान से फिलीपींस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, तूफान के कारण कई गांव तबाह। चेन्नई में विश्व शतरंज चैंपियनशिप शुरू, दुनिया के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और भारत के विश्वनाथन आनंद के बीच पहला मुकाबला ड्रॉ।